सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ से निकलते हुए देखा कि पास में एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस भी नहीं कह सकते, बहुत ही प्यारा, मतलब काफ़ी बड़ा यहाँ पे खेत था हरा भरा। और बस रुक गई, मुझे देखने का बहुत मन किया। आइए, और मेरे साथ है मेरा बेटा भी, देख सकते हो। और यहाँ का ना मेरे को लोकेशन बहुत प्यारी लगी। और फिर भाई मालूम है जो यूट्यूबर होते हैं उनको तो कहीं अच्छा सा लोकेशन मिल जाए तो वहीं उनका कैमरा चालू हो जाता है। मैं इस एरिया से ना कई बार निकली हूँ, मेरा बहुत मन हुआ है कि मैं यहाँ पे किसी दिन वीडियो शूट करूँ। और मैं आखिरकार यहाँ पे पहुँच ही गई। यहाँ पहुँच के सबसे पहले जो इस खेत में भैया रहते हैं, मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि बिना मुलाकात करे कहीं एंट्री नहीं करनी चाहिए। और ये है यहाँ पे ट्यूबवेल, थोड़ी है भैया ये ट्यूबवेल है, इंजन है ये, तो इंजन देखो, हमें कुछ ऐसी जानकारी भी नहीं है। ये है इंजन और यहीं से पूरा खेत में पानी लगता है। ये देखो यहाँ पे पानी पानी है इसमें। तो जो पीछे भैया गए हैं उन्हीं से इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ कि भाई ये क्या है क्या नहीं, और उन्हीं से पहले मैंने अनुमति ली तब मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये पूरा देख सकते हो, ये है गोभी का खेत। बहुत मतलब यहाँ पे ना सच में इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि शहर के अंदर घर के अंदर ही रहते रहो ना तो अजीब सा होने लगता है। अभी जब बाहर निकली हूँ और यहाँ खेतों में आई हूँ ना तो सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आधे उसमें ये लगा हुआ है गेंदा, यहाँ पे अभी छोटे छोटे हैं, वैसे कलियाँ आ रही हैं इस पर। और इन भैया ने सच में बहुत अच्छे से रख रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से रख रखाव कर रखा है। और इधर लगी हुई है, यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है खीरे की बेल। और ये खीरे की बेल बेकार हो चुकी है। कहाँ बेटा, गिर मत जाना, आराम से रहना। धनिया है, खीरे है, मूली है। और यहाँ पे उन भैया की वाइफ खाना बना रही है चूल्हे पे। किस चीज़ की रोटी बना रही हो भाभी? लो, बगड़ की रोटियां बना रही हैं हमारी भाभी यहाँ पे। और ये प्यारी सी है इनकी बेटी, इसको क्या हुआ, इसके यहाँ गदूद निकलना है, गदूद निकल रहे हैं। तो देख सकते हैं ये भैया भाभी यहाँ पे खेत पे ही रहते हैं। और यहाँ पे बहुत कुछ इन्होंने लगाया हुआ है, मूली लगी हुई है और धनिया भी लगा हुआ है। पहली बार इन भैया भाभी से मुलाकात हुई और पहली बार में मुझे बहुत कुछ के धनिया सब कुछ देने के लिए तैयार है कि तुम्हें जो भी चाहिए खेत में ले लो। तो अब यहाँ आगे पता है सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे को धनिया ना खेतों का धनिया खाने को मिलेगा, और कभी भी मेरा मन करेगा भुजी खाने का ना तो यहाँ पे लट्टे की भुजी मिलेगी। और देखो इनकी काफ़ी मेहनत इन्होंने की थी, यहाँ पे खीरे की बेल लगाई थी और ये ठंड की वजह से खीरे की बेल बेकार हो चुकी है। देखो खीरा खीरा तो ये बेकार हो चुकी है, भैया की मेहनत थोड़ी सी बेकार हुई, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे पूरे में लगा हुआ है मटर, पूरे में मटर लगा हुआ है, देख सकते हैं चारों तरफ कितना सुंदर व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है चारों तरफ। और सच में मन खुश हो गया यहाँ पे आके। हाँ बेटा, पूरे का चक्कर यहाँ से दिख तो रहा है बेटा, कितना सुंदर दिख रहा है। हमारे बेटे का मन कर रहा है पूरे खेत में चक्कर लगाने का। देखो ये है मटर का खेत, देखा है कभी मटर कैसे लगती है? पूरा कहाँ देखना है बेटा, यहाँ से दिख तो रहा है। और हल्की हल्की मटर आ रही है सभी जगह। और अभी चलेंगे बेटा, अच्छा। और यहाँ पे लगी हुई है देखो प्याज छोटी छोटी, और मिर्च का पनीर है, मिर्च लगानी पड़ता है। अच्छा, ये जो अलग उठा के लगाई जाएंगी ना, ये गंटी का कन भी अलग लगेगा, मोटी गंटी होने के कारण। अच्छा 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 अच्छा, देखो भैया जब हम किसान इंसान से मिलते हैं ना तभी किसी चीज़ की जानकारी मिलती है। यहाँ पे इतनी घनी घनी मिर्चें लग रही है तो मुझे लग रहा है शायद ऐसी होगी लेकिन अभी भाभी ने बताया है कि ये अलग अलग लगेंगी। और हमारे भैया लेके आए हैं खीरा। क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद भैया। और मुझे बहुत अच्छा लगा इन भैया से मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटी आपका नाम क्या है? यहाँ ना, यहाँ यहाँ बाबू क्या नाम है बाबू? कहते नित्या। देख कितनी प्यारी सी है, क्या है सामने? ऊपर को देख, ऊपर को है बाबू, मोबाइल को देख, मोबाइल को। हम तो भूल गए तुम्हारे लिए कुछ लाना, शाम को आएंगे तुम्हारे लिए लेके आएंगे। क्या खाओगी, चॉकलेट खाती हो या चिप्स खाती हो? शर्मा रही है दो धारा
अच्छा गाजरांगी वो गेंदे के अच्छा मतलब इस पूरे खेत में सब्जियां लगा रखी हैं। हाँ, चने का साग, गाजरा, पालक। देखो भाई सब कुछ है इस खेत में, सब कुछ सच में बहुत मेहनत ये लोग करते हैं। और मतलब इस पूरे एक खेत में ना सभी सब्जियां देखने को मिली। हाँ हाँ, इन्होंने एक खेत में सभी सब्जियां लगा रखी हैं और देख सकते हो कितना हार्ड वर्क ये लोग करते हैं। भैया यहीं खेत पे सोते हैं और ये छोटी सी बस पिन्नी डाल रखी है और इस खुले एरिया में भैया सोते हैं, तो समझ सकते हैं किसान इंसान कितनी मेहनत करता है। ठीक है, और जब किसान मेहनत करता है तब हमें खाने को मिलता है। तो इधर सब तरफ इधर है खीरा, इधर सब गेंदा वगैरह। और पता है इस तरह के खेत में मैं पहली बार आई हूँ, पहली बार, क्योंकि वरना अक्सर क्या होता है कि गांव में हमने, क्योंकि जहाँ हमारा गांव है वहाँ पे मैंने अक्सर बस आलू और गेहूँ वगैरह देखा है, लेकिन सब्जी के खेत मैं पहली बार देख रही हूँ जहाँ पे सब तरह की सब्जी लगी हुई है। यहाँ पे मूली वगैरह सब कुछ लगा हुआ है भाई। हाँ बेटा, अपने खेत पे? लेकिन मैंने नहीं देखी बेटा अपने खेत पे, नहीं देखी बेटा मैंने। और यहाँ पे देखिए बैंगन के खेत, यहाँ पे बैंगन लगे हुए हैं भाई। ये देखो कितना प्यारा सा बैंगन लगा हुआ है। हाँ चाची, ये देखो, देखो ना, ये है तो सामने बैंगन लगा हुआ है भाई। सच में ये इधर सब बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, बैंगन की पौध लगी हुई है। और सच में पहली बार मैं इन लोगों से मिली हूँ। और कहते हैं ना गांव का इंसान बहुत दिलदार होता है। हाँ, वो ख़राब कर दी बेटा किसी ने, कोई पशु वगैरह घुस गया होगा यहाँ पे। तो सच में गांव का इंसान ना सच में बहुत दिलदार होता है। और पहली बार ही मिलने पे, दुआ सलाम होने पे ही भैया ने मूली की भी इजाज़त दे दी कि आप मूली ले लो। हाँ बेटा, कहाँ चले बेटा, तो पूरा चक्कर देखो, लास्ट तक आ तो गए, आ तो गए हम लोग। और एकदम ताज़ा ताज़ा खीरा तोड़ के लेके आए हैं और कह रहे हैं कि आप लेटे की भूजी खाते हो क्या। तो सच में बहुत कहीं कहीं ना बहुत अच्छे अच्छे इंसान देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ हमें तब मिलती है जब हम बाहर निकलते हैं। चलिए चलते हैं, मुआयना हो चुका है खेत का। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। मैंने पूरा बैक आपको दिखाया है, पूरा हरा भरा दिखाया है आप लोगों को मैंने। और काफ़ी दूर तक बहुत बहुत बड़ा खेत है ये, बहुत ही बड़ा। और यहाँ पे देखो भैया खा रहे हैं पीछे खाना, और भाभी गरम गरम खाना बना रही हैं, भैया गरम गरम खाना खा रहे हैं। और खुले में चूल्हे पे बगड़ की रोटी आनंद ही अलग होता है। मुझे भी खाने को बोला है लेकिन मैं खा के आई हूँ भरपेट, वरना मैं ज़रूर खाती लेकिन मैं खा के आई हूँ। और भैया ने बच्चों को लगा दिया है ड्यूटी पे, एक लेने गया है भूजी, तो आज हम ताजी ताजी भूजी खाने वाले हैं। और एक बेटा लेने गया है मूली, देखो सामने से। और हमारा हीरो भी पकड़ के आ रहा है, उसको पता है बहुत अच्छा लग रहा है खेत में। बेटा ज़्यादा मत लाओ, दो ही ले आओ बस। तो बच्चे आ रहे हैं पीछे से सामान ले लेके। आराम से आओ, आराम से। दिखाओ मूली, तुमने उखाड़ी? तुमसे तो उखड़ेगी भी नहीं, तुम तो नाजुक कितने हो। भैया ने दी, यहाँ रख लो साइड में। और ये बेटा ले आया है लेटा, थैंक यू। अब आप लोग खाना खा लो। तो पहली बार आई और पहली बार में ही मुझे हरी हरी सब्जियां मिल रही हैं यहाँ पे तोहफे में, पहली बार में ही। और इत्तेफाक ये है कि ये भैया भी, जिधर मेरा ससुराल है ये भैया भी हमारे उधर के ही निकले, तो कितना अच्छा इत्तेफाक हुआ है ये। ठीक है, और अब मुझे इनविटेशन दे दिया गया है कि जब भी मन करे आपका या कोई सी भी सब्जी भी खाने का मन हो तो बिल्कुल यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो।
तो बहुत अच्छा लगा। और दो दो सब्जियां मिल गई हैं मुझे, भुजी और मूली। तो चलिए ले लेते हैं। और देखो सब्जी हो चुकी है रेडी। भैया ने इतनी सारी भुजी दे दी है मुझे कि बांटनी और पड़ेगी। ज़्यादा ना उबाल कर निचोड़ कर बनाइयो। अब किसी दिन मूड हुआ ना भाभी आपके पास खाने आऊंगी, बगड़ की भी रोटी और भुजी भी। क्योंकि ऐसी चूल्हे की रोटियां अब जब हम गांव जाते हैं तभी खाने को मिलती हैं। तो यहां से गांव के लोग वैसे भी ले जाते होंगे या आप लोग को मंडी भेजते होंगे? मंडी भेजते हैं। अच्छा, बहुत सारी सब्जी मिल गई भैया रे मेरे को तो यहाँ पे। जैसे जैसे मतलब सोचा नहीं था वो हुआ है, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं इमेजिन किया ही नहीं था। मैं इस खेत में एंट्री करने से पहले ही डर रही थी कि मैं एंट्री कैसे करूँ, ठीक है। फिर मैंने गेट के बाहर से ही अनुमति ली थी कि मैं आ सकती हूँ क्या, बहुत ज़्यादा डर रही थी मैं। लेकिन जब आई हूँ तब पता चला कि हाँ भाई सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिली है इन लोगों से मिलके ना, सच में बहुत खुशी मिली। लाओ, थैंक यू बेटा, लाओ मैं ले जाऊंगी, रखे आ जाओ। अच्छा नमस्ते भैया, भाभी नमस्ते, बाय बच्चा, बाय कर दो बेटा, अभी आऊंगी चिप्स लेके आऊंगी, आ जाओ बेटा। तो अब हमने सबको कर दिया है बाय, अब हम चलते हैं, हमारे पीछे आ रहा है बेटा, ठीक है, हमारी स्कूटी तक हमें पहुंचाने। चाबी कहाँ है बेटा? यश चाबी है, आओ। तो चलिए अब इस खेत से निकलते हैं बाहर। और ये लोग यहाँ पे केयर करते हैं इस खेत की, क्योंकि यहाँ पे सांड वगैरह आने का बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये लोग इसी खेत में रहते हैं। और पीछे देख सकते हो कितना बड़ा खेत है, दूर दूर तक, बहुत दूर तक है ये खेत, काफ़ी बड़ा है। अच्छा देखो इस किनारे की गोभी आप देख सकते हो उधर कितनी घनी है, और इधर तो ये यहाँ से ही सांड वगैरह अंदर घुसे हैं, तो इन्होंने इधर की गोभी गायब कर दी सब। और ये देखो कितना स्पेशल गेट इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये कोई ऐसे एंट्री नहीं कर सकता बिना इजाज़त, हमने गेट के बाहर से इनसे अनुमति ली थी और तब हमने एंट्री की थी। बेटा डिग्गी खोल दो। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग, पूरा आज हरियाली का ब्लॉग दिखाया है, आई होप पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। आ जाए ना इसमें, अरे इन्होंने तो भैया ने बहुत कुछ दे दिया, हरी प्याज भी दे दी, भुजी भी दे दी, खीरा भी दे दिया और मूली भी दे दी। थैंक यू सो मच। नमस्ते बेटा।